हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक्निकल चैनल। आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं आप सभी के सामने। ये नोटिस किए हैं कि VMWare इंस्टॉलेशन के बाद कोई वर्चुअल पीसी क्रिएट करने के बाद वो वर्चुअल पीसी जब आप पावर ऑन करते हैं तो एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आता है सब लोगों का। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एरर व्हाइल पावर ऑन, कुड नॉट गेट VMCI ड्राइवर वर्सन, द हैंडल इज इनवैलिड। ये जो प्रॉब्लम आता है ये vmci.sys बोल के एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर का वर्सन इनकरेक्ट है और इंस्टॉल नहीं हुआ ठीक से, इस कारण आता है ये एरर। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। You have an incorrect version of driver vmci.sys. Try to reinstall VMWare player. तो VMWare player को reinstall करने का ज़रूरत नहीं है, एक setting change करने के बाद आप ये virtual PC play हो जाएगा। वो setting क्या करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो virtual PC आप create किए हैं, जिस location पे, जिस path पे आप create किए हैं वो path पे जाइए। नॉर्मली ये माई डॉक्यूमेंट में VMWare बोल के एक फोल्डर होता है, उसमें नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जगह पे इंस्टॉल होता है, और अगर कस्टमाइज़ करते हैं तो जहाँ पे आप इंस्टॉल किए हैं उस पाथ में जाइए। तो मैं मेरा कंप्यूटर में ई ड्राइव पे वर्चुअल पीसी करके एक फोल्डर क्रिएट किए हैं, उसके अंदर विंडोज 10 करके किए हैं, उसके अंदर ये सारा VMDK फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखे हैं। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैं आपको एक फाइल सर्च करना है, वो है VMX फाइल। तो टाइप से शॉर्ट कर लीजिए एक बार, और यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है VMWare वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो फाइल है इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सिलेक्टेड फाइल आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरे यहाँ पे जो पीसी नेम दिए थे विंडोज 10, उस नेम से ये फाइल क्रिएट हुआ है, लेकिन इसका एक्सटेंशन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज करके देख सकते हैं। ये इसका एक्सटेंशन है VMX फाइल। तो इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करना है आप लोगों को। तो नोटपैड में जब खुलते हैं ये फाइल, तो यहाँ पे VMWare का कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। तो बिना कुछ चेंज किए, बिना कुछ इधर उधर किए, आपको एक चीज सर्च करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। VMCI करके एक लाइन होगा, VMCI 0 यहाँ पे है, आप लोगों के वहाँ पे भी VMCI कुछ और हो सकता है, लेकिन VMCI कॉमन रहेगा। तो VMCI 0.present इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है, इसको फॉल्स कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करके सिर्फ रिप्लेस कीजिए फॉल्स से। और फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये नोटपैड क्लोज कीजिए और वर्चुअल पीसी को पावर ऑन कीजिए। तो देख सकते हैं मेरा वर्चुअल पीसी पावर ऑन हो रहा है विदाउट एनी एरर। तो vmci.sys जो सिस्टम फाइल है वो, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है या उस फाइल को रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा सेटिंग चेंज कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सा ही। थैंक यू सो मच।